यार हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? गड्डी का उन्होंने चिल्ले जाके रोकी। और जैसे मेरे बाद के लिए काउंटर में घूमा, मुझे एक शेडो दिखी। हालांकि वो शेडो भी थी क्योंकि लाइट पीछे रही थी। भाई आ जा हुण। शैडो, साया, परछाई, ये वो पोर्शन है जहां पर लाइट नहीं पहुंचती ड्यू टू द ऑब्स्टिकल कॉल्ड बॉडी। पर ये कोई इल्यूजन नहीं है, कोई इनविजिबल चीज नहीं है, ये भी बॉडी है। बस फर्क इतना है कि दिस बॉडी इज फिल्ड विद लाइट एंड दिस बॉडी इज फिल्ड विद डार्कनेस। मतलब अगर आप किसी बॉडी पर लाइट डालो तो उसकी दो साइड बनती है, एक ब्राइट साइड और एक डार्क साइड। सिमिलरली अगर आप किसी स्टोरी पर लाइट डालो तो उसकी भी दो साइड बनती है, एक ब्राइट साइड और उस स्टोरी में आई हुई ऑब्स्टेकल्स की वजह से एक डार्क साइड जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता। कुछ ऐसी स्टोरी मेरी भी है। तो 2017 में गर्मियों की छुट्टियों में मेरे मामा जी और उसके बेटे गौरव मेरे पास चंडीगढ़ आए घूमने। तो हम सब डिनर कर रहे थे कि सडनली मेरी मॉम ने मुझे कहा कि वो गौरव ने सलामत आया तो मुझे घुमा लिया। तो मैंने वैसे ही मुंह में कह दिया कि यार हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है। तो सब टेबल पे हंस पड़े और मेरे डैड समझ गए भी ये मुंडे जानू फिर शिमला। तो मेरे डैड ने कहा बेटा हिमाचल प्रदेश का कैपिटल जो मर्जी हो लेकिन तुम लोगों ने पंजाब एंड हरियाणा के कैपिटल से बाहर नहीं जाना। तो मेरे मॉम ने कहा पहाड़ों दिन जाना और 9 बजे निकल जाओ और 6 बजे वापस आ जाना, ठीक है। तो मैंने उस वक्त कह दिया कि हम ना लंडे जा रहे हैं, एक मूवी एक्टर स्टार था द ब्लैक प्रिंस, हम वो लेके जा रहे हैं। तो डिनर खत्म हुआ, हम कमरे में आ गए तो गौरव मेरे साथ जो हुआ था, तो मैंने गौरव कहा गौरव देख 9 से 6 का टाइम है और शिमला है यहाँ से 3.5 घंटे का रास्ता, तो 9 बजे चलेंगे 12:30 पहुंच जाएंगे, 2 घंटे घूमेंगे फिरेंगे और वापस आ जाएंगे 3:30 घंटे में, 6 बजे तक आ जाएंगे वापस। दूसरा ठीक है चल शिमला चलते। अब भाई अगले दिन 27 जुलाई 2017 की सुबह जब हम सब तैयार हुए और 9 बजे से रेडी हुए, तो जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो गौरव के डैड मतलब मेरे मामा जी मेरे पास आए। उन्होंने मेरे को कहा कि प्रजीत मौसम बड़ा खराब है, तू आज शिमला ना जा, पहाड़ा दिन जा, एक कमरे से मौसम खराब ना, हम सब चलेंगे साथ में तेरे। तो मैंने उस टाइम कह दिया कि हाँ हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा प्रॉमिस ना वादा ना, मैं कहा हाँ हाँ वादा। तो हम गाड़ी में बैठे 9 बजे और गाड़ी चल पड़ी एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो मेरी जेब में थे 2500 रुपए और गौरव की जेब में थे 2000 रुपए। तो पहले हमने 1500 का डीजल डलवाया गाड़ी में जो उसने लिए, तो उसकी जेब में रह गए 500, मेरी जेब में रह गए 2500 और हमारी गाड़ी चल पड़ी। अब भाई इस स्टोरी की पहली ऑब्स्टिकल वो थी कि जीरकपुर के फ्लाईओवर के नीचे बारिश से इतना पानी भरा हुआ था, मतलब पानी गाड़ी की बोनट तक आ रहा, और जब भी उससे बस निकलते थे पानी गाड़ी के ऊपर से निकलता था। तो हमने फटाफट यूटर्न लिया वहां से और यूटर्न लेके हम गलियों के बीच में से निकल गए और हम आगे उस पर जीरकपुर और ट्रिब्यून चौपाली रोड पर। तो हम चलते भी चलते रहे, मुश्किल से पानी से बच पुछ के अब वहां पर दिख गया रामटे पहुंच। तो मैंने गौरव कहा मैं गौरव यार छट भरे द ब्लैक प्रिंस देख लेते हैं रामटे से। तो उसने कहा कि मेरी ये ना गूगल बता रहा है कि वाया पंचकूला ना हम हिमालयन एक्सप्रेस वे में डल के शिमले को निकल सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है काम करते हैं कसौली तक चलते हैं, अगर मौसम हुआ अच्छा तो कसौली से निकल जाएंगे आगे और बेकार हुआ तो वापस आ जाएंगे। तो हमने वाया पंचकूला निकल के एक्सप्रेस वे में डाल के पहुंच गए कसौली। जैसे कसौली पहुंचे मौसम ठीक होने लग गया और फिर मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा सुन गड्डी का उन्होंने शिमले जाके रोकी और हम चलते गए। अब आई स्टोरी की दूसरी ऑब्स्टिकल वो थी सोलन का ट्रैफिक जैम, और ट्रैफिक जैम लगा पड़ा 2.5 घंटे से। हम 2.5 घंटे में खड़े हैं और सडनली मेरे डैड का फोन आ गया। हमें लगा डैड ने क्या मेरा इंटरवल है द ब्लैक प्रिंस का इंटरवल चल रहा है, हाँ घर पहुंच के फोन करता हूँ आपको। तो कहते हैं हाँ रोटी खा लेना, हाँ रोटी खा लेना, और मैंने फोन लगा दिया। मैं गौरव देख बच चुके हैं डेट, हमारे पास टाइम लगेगा 4.5 घंटे का, अब शिमला में लंच करते वापस आ जाएंगे। तो गौरव कहता है यार एक काम करते सोलन में लंच कर लेते हैं, यहाँ से चले जाते हैं मेरे को जाएंगे। मैं कहा देख यार यहाँ तक तो आई नहीं हूँ, हमने प्लान किया था या तो हम शिमला जाएंगे या तो हम ब्लैक प्रिंस देखेंगे, अब ना तो शिमला देखें ना ब्लैक प्रिंस देखा।
भैया एक काम करते हैं, फटाफट निकलते हैं, लंच करते वापस आएंगे। तो हम लगेली जाम से निकल गए और रास्ते में एक एक किलोमीटर के हिसाब से टाइम कैलकुलेट हो रहा है, मतलब इस एक घंटे मतलब एक घंटे में कितने किलोमीटर गाड़ी क्या करेगी, हम कैलकुलेट कर रहे हैं फटाफट 13 किलोमीटर चलेगी, नहीं 14 कर, तो 14 कर। और हम जैसे जैसे पहुंच गए शिमला, अब आया सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, वो था शिमला के बैरियर पे हमें कह दिया पुलिस वालों ने कि यहाँ पर हो चुका है रेड अलर्ट, मौसम वेदर फोरकास्ट ने कह दिया कि बहुत मौसम खराब होने वाला है, कोई भी गाड़ी पीछे जाएगी नीचे ट्रैफिक जैम से पड़े। और हमने यहाँ पर बताना है कि हम तो शिमला पास के गलवा हूँ, तो हम दोनों चक्कर पड़ गए करें क्या। अब मेरे क्या काम करते हैं, फेसबुक पोस्ट डाल देते हैं कि अनप्लान विजिट और टैग कर देते शिमला, तेरा नाम टैग कर देता पता लग जाएगा। हमने फेसबुक पर फोटो खींची और लिख दिया अनप्लान विजिट शिमला, गौरव टैग कर दिया। अब मेरे डैड का फोन आया, वो तो शिमला पहुंच गया भैया, हाँ डेट किया तू तो यार टैग पर सेट किया। मैंने कहा वो शिमला पहुंच गया, पता ढूंढ रहे तू। मैंने कहा वो यहाँ पर ना रेड अलर्ट हो गया है और मिलास नहीं आ सकते, कल आएंगे वापस। कहा झूठ बोले तूने, कहा अब डैड ने मुझसे एक बात बोली, कहा एक काम कर अगले नहीं जाना, यहीं रहेंगे आपको, और पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं है, पैसे तो है ना आपको लेने के लिए। हाँ हाँ पैसे हैं, मैंने बहुत उन्होंने फोन मिला दिया। मैंने कहा चल यार ठीक ही सब क्या मेरा। फिर उसके बाद देखो किया मोम ने कॉल, हाँ तेरे शर्म नहीं अपने छोटे प्राण तू ये सिखाना कि कर चोरी जाओ। मैं नहीं, मैंने सिखाया तो सीखा सिखाया कि मॉम ने सडनली मुझे बात कही जो मुझे अभी मतलब उस टाइम पर अजीब लगी, पर लेकिन बाद में उसका पता लगा कि तुझे कर वापस तेने मैं ठीक कर दिया। और मॉम ने मुझे एक बात और कही कि कल बारिश पड़े तो मत आइयो, वरना आराम से हमें गाड़ी नीचे आते स्किप कर देंगे। तो उन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शन दिए और फोन कर, लेकिन एक बात की तो श्योर थी कि कल पड़ने वाली है मार। फिर आया गॉड मामा जी का स्कीम, तो उन्होंने कहा तू यार वो तो प्रॉमिस करके कैसे नहीं जाना, तूने उसको बिगाड़ दिया था, तू मेरे को तो सर पहुंच गया ये वो, मतलब बुरे हाल के फोन के और हम अटके पड़े हैं। पर ऐसे जैसे हमने थोड़ी डांट खा भी ली, थोड़ी गालियां खा भी ली और जैसे जैसे जीत लिया। अब हमारे पास एक नए चैलेंजेस हुआ है, ये होटल ढूंढने, तो हम होटल ढूंढने गए। अब शिमला में है पीक और पीक टाइम पर टूरिस्ट भरे पड़े हैं और होटलों के जो किराए ना वो 2000 के कमरे 5000 में। तो हमने कहा यार हमारे तो जेब में थे कुल 2500 रुपए, 500 उसके रेडी नहीं आ रहे, अभी लंच भी करना है, डिनर भी करना है, ब्रेकफास्ट भी करना है। तो हमने कहा क्या करें क्या करें क्या करें। फिर मैंने सुबह में क्या करते हैं कुफरी चालू नागंडा रोड पर जाते। तो उसने कहा तू पागल है, तू रज्जा नहीं खड़ा, तो मैं चुपचाप इतने रहे हमने गाड़ी में सो जाते हैं। मैं गाड़ी में सोते चलते हैं। तो हमने ढूंढा एक ट्रेवल गाइड और मैंने सुबह देखो हमारे पास कैसे काम, और तू एक काम कर हमें 2000 के नीचे कमरा दिला दे। उसने मुझे एक बात कही, उसने कहा चलो चलते हैं, चलो हम चलते गए चलते गए चलते गए और होटल ढूंढते गए। और ये उसने एक होटल ढूंढवाया मैं होटल राजपूत। तो जैसे हम वहां पहुंचे तो उसने मुझे कहा कि ये तुम बैकग्राउंड लेके। मैं कहा नहीं, वो हम ऐसे निकले थे क्या कहते हैं तो अनप्लान ट्रिप्स तो आगे यहाँ पर तो रेगुलेट होकर वापस जाते हैं। कहना चलो एक कमरा तो है हमारे पास। मैं कहा अच्छा कौन सा, कहता अरे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं कहा प्रॉब्लम आंसर की प्रॉब्लम कहाँ सकती है। कहना नहीं नहीं एक्चुअली ना इस कमरे में 2 दिन पहले एक लड़के ने सुसाइड किया है और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो गया इस कमरे में, तो ये 2000 का कमरा आपको 1700 में दे देंगे। तो मैंने कहा चल एक काम करते हैं एक ही कमरा रहेगा शिमला में जो हमारे बजट में है। तो मैंने कहा कि चल ठीक है, तो मैंने 1700 में कमरे के दे दिए और 400 टूरिस्ट गाइड ले लिया हमसे ट्रेवल गाइड ने, तो हो गए 2100। तो मेरी जिम में 2500 से 2100 हो गया, ट्रे गए 400 और गौरव के जिम में 500। तो हमने वो कमरा ले लिया, कमरे में घुसे थोड़ा फ्रेश व्रेश हुए और मुँह मत गया। और उसके बाद हमने कहा लंच करने चलते हैं। अब हम लंच करने गए ऊपर वापस मॉल रोड में, वहाँ लंच किया और लंच का हमारा फिक्स बजट था कि 250 को बंदा लंच नहीं करना, तो 250 का लंच किया। और लंच करते हम वही मॉल रोड घूमने लगे, मीटिंग मार्केट घूमने लगे और फिर जब थोड़े 100 रुपये के अंडे भी खा लिए, तो मतलब गौरव के पास जो 500 थे उसमें 350 रुपये में ये खर्च कर दिए, तो रह गए उसका 150 रुपये। अब मॉल रोड टू मीटिंग मार्केट घूमते घूमते हमें आ रहे हैं फोन मेरे रिश्तेदारों के, हमारे दोस्तों के, हमारे कजन्स के। अब वो हमें पता नहीं कह रहे हैं यार तुम्हारी मौज है यार, यार मुझे भी जाते यार भाई कब करो ट्रैकिंग करो पूरा दारू शराब पियो फन करो यार, यार अगले हमें लेके चलते पूरा फन करते हैं, तुम एंजॉय कर रहा बढ़िया लाइफ है तुम्हारी। और उस वक्त मैं मैंने सोचा क्या इन लोगों को ना हमारी ब्राइट साइड पता स्टोरी की, इनको डार्क साइड नहीं पता।
डाक्टर तुम्हारे घर वालों को बता, उनको हमारी परवाह तक ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा चल हाँ ले आते हाँ और जाइए वो। तो हमने कहा देख जो भी जिंदगी में चल रहा ठीक है, तो हम सूर्य स्टूडेंट डाल के पूरा मारो घूम के आगे वापस होटल रूम में शाम को। घूम तो लिए है कुछ घूमने लगे पैसा एनजे में। तो हमने कहा कि चल यार एक बंदे घर का माल चेक करता हूँ मैं। तो मैंने बोला होगा मैं घर देखूंगा, तू ना मेरी सिस्टर को फोन लगा करके और पूछ उससे कि मामला ठीक है, मैंने कहा कितनी पटाखे समझ मारी। तो गौरव ने फोन लगाया मेरी सिस्टर को, हेलो हाँ। और वहां से एक ऐसा जवाब आया जिसका मैं अनएक्सपेक्टेड था। तो हमने हाँ ओ बुलाना लगे मेरे को फोन कर लिया और मैं फोन कर दिया। और फिर हमें तब रियलाइज हुआ कि अच्छा हम इसको तो वहां भूले, इसको तो लेके नहीं आए। और फिर आया अच्छा उस दिन ऐसा था, मैंने उसको गौरव बुलाया उस दिन ऐसा है, उस दिन हमारे टाइम ऐसा चल रहा था कि अगर उस दिन हम सर्वेंट को भी फोन कर लेते ना तो सर्वेंट भी हमें गाली नहीं मारता। फिर हम चल शाम हो गई, हम अब करने हैं डिनर ऊपर, और डिनर भी हमने 250 रुपये का लिया। तो मेरी जेब में 100-150-400 रुपये, उसमें से मैंने 250 रुपये डिनर डाल दिए। तो मेरे जेब में 150 और गौरव की जेब में 150। और हम रात को मॉल रोड घूम रहे हैं, मतलब अब जो ऑब्स्टिकल आई है ना हमारे पास ये सबसे खतरनाक थी कि रूम में एक लड़के ने किया हुआ सुसाइड, अब उसकी हमें परछाई दिखेगी, उसके बाद से आएंगी। अब रात से सेट में हम डर के मारे रूम जाए, हम मॉल रोड घूमते रहे घूमते रहे, इधर देखते रहे उधर देखते रहे। और सडनली क्या हुआ, शिमला 9:30-10 बजे तक शिमला के सेंटर बंद होने लगे, मॉल रोड खाली होने लग गया। तो मैंने कहा जितना सोना यहाँ भाई यहाँ कोई आत्मा दिख जाए, जब जो रूम में उसमें देख लेते सर के। तो हम 9:30-10 बजे हम मॉल रोड से अपने हमारा जो पोर्टल था बस स्टैंड के पास में था, तो नीचे आए हम जब पूरी सीढ़ियों से सीढ़ियाँ सुनसान बिल्कुल नीचे आया अकेले बिल्कुल देख रहे हैं कि कोई आया नहीं, ऐसा लग रहा शिमला में सिर्फ दो ही बंदे रहे। और जैसे हमने रूम एंटर किया मैंने गौरव को मैं गौरव देख बाथरूम के लिए गाँव रखेंगे और कंबल देना मुँह के ऊपर और कोई परछाई दिखे कोई आवाज आए सुनना ही नहीं ध्यान नहीं देना बस भगवान का मेरे सो जाना है कल सुबह देखे जो होगा। और जैसे मेरे बाथरूम के लिए गाँव के लिए घूमा मुझे एक शेडो दिखी, हालांकि वो शेडो मेरी थी क्योंकि लाइट पीछे रह गई थी, लेकिन उस शेडो को देखते ना मुझे एक थॉट आया, मुझे अपनी शेडो में ना उस लड़की की परछाई दिखी। मैंने कहा मेरी और उस लड़की की स्टोरी तो बहुत सिमिलर है, मैं भी अपने घर से बात कर आया हूँ, वो भी अपने घर से बात करी आया था, ये दुनिया भी मेरी स्टोरी की ब्राइट साइड देखती है, ये दुनिया ने उसकी स्टोरी की भी ब्राइट साइड ही देखी होगी। लेकिन कुछ फर्क थे, मेरी डार्क साइड सुनकर मेरे घर वालों ने मुझे ये कहा था कल तू वापस आकर हम ठीक करते हैं, लेकिन उसकी डार्क साइड सुनकर किसी ने उसे ये नहीं कहा कि तू वापस तो आ फिर हम ठीक करते हैं। मेरे पास मेरा टाइम कम था उसकी प्रॉब्लम थी, फिर टाइम ज्यादा हो गया उसकी प्रॉब्लम थी, पैसे कम पड़ गए फिर उसकी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम मैनेज कर रहे थे। लेकिन उसने अपना सारा टाइम ही खत्म कर दिया क्यों? उस दिन मुझे एक चीज की समझ आई कि अगर आप किसी की स्टोरी को अपने एंगल से लाइट डाल के देखते हो ना तो आपको ब्राइट साइड दिखती है, डार्क साइड पीछे रह जाती है, इसलिए वो इग्नोर हो जाती है। आप दूसरे की स्टोरी को ना उसके एंगल से लाइट डाल के देखो तब आपको दिखेगा कि शेडो आगे बढ़ जाती है, उसकी डार्क साइड आपको आगे दिखेगी। और मुझे भी शेडो दिख रही थी और मैंने सोचा कि चल पता नहीं क्यों शेडो को फॉलो करता करता मैं मिंटो तक पहुंचा। और जैसे मैं मिंटो तक पहुंचा वो बैठे पे रुका और बैठे, उसको लगा कि मेरे को परछाई दिख गई, पता नहीं कि मैं कुछ ड्रामा कर रहा हूँ। तो उसने सारे लाइट ऑन होगा क्या हो गया, और जैसे ही लाइट ऑन होना मुझे दिखा कि विंडो है, विंडो के आगे डार्कनेस है और इस रूम में लाइट है। और मुझे उस दिन पता लगा कि उस लड़के ने खिड़की से बोलते हुए छलांग मारी, बिकॉज ही जंप्ड फ्रॉम द लाइट वर्ल्ड इन टू द डार्क वर्ल्ड। और पोस्टमार्टम में आ जाएगा सुसाइड का वजह कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। डिप्रेशन आल्सो मींस व्हाट, दैट अ पर्सन जंप्स फ्रॉम ब्राइट थॉट्स इनटू द डार्क थॉट्स। लेकिन वो जब वो जंप कर रहा होता है ना तो काश उनको वो कहने वाला होता कि आगे नहीं जाना, कल आराम से वापस आ जाइए, फिसलना नहीं है, तो ऐसा ना करता। और एक बात का सीख भी मिल गई मेरे को कि चाहे मेरी स्टोरी में बहुत सारे डार्क साइड हैं लेकिन मैंने ब्राइट साइड पर ही फोकस करना है। मान लिया मेरे पास टाइम कम है, मान लिया पैसे कम हो गए, मान लिया कल जाके मार पड़ने वाली है, तो क्या हो, मैं घूमने आया हूं शिमला आया हूं तो एंजॉय भी तो कर ही रहा हूं। तो हम
उस दिन तो सो गए और जैसे हम अगले दिन सुबह उठे 4 बजे हुए और जैसे 4 बजे उठे हम खड़ा अगले काउंटर के पास जल्दी चेकआउट करना भाई साहब जाना है वापस घर उसने कहा नहीं नहीं वेट वेट 7 बजे से पहले ना पार्किंग नहीं खुलेगी यहीं पर बैठे हो और फिर हम रूम में वापस आ गया टीवी लगा लिया नींद तो आई नहीं थी क्योंकि टेंशन ही थी वापस आने की और हमने गाड़ी पार्किंग से निकाली और चल पड़े। अब 8 बजे हम एक रेस्टोरेंट में हमारे पास 150 रुपये बचे थे 150 के पास बचे थे तो 150 रुपये की 300 रुपये की हमने ब्रेकफास्ट किया चाय पी ली और उसके बाद हम आगे चले। अब आया सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो अब ऑब्स्टिकल लगी ना सोलन से हम एक दूसरे रास्ते पर पड़ गए जो कि गलत नहीं था उस वो भी ब्लॉक लिखा होता लेकिन वो ब्लॉक का बाईपास था जो नया बन रहा था तो जैसे हमने 4-5 किलोमीटर ट्रैवल किया गौरव ने कहा देखी मुझे लगा कि हाँ यार इस रास्ते में तो हम आते हुए आए नहीं थे और उस रास्ते में ऊपर से क्रेन पहाड़ तोड़ रही है नीचे रोड रोड चल रहा है कहीं पर रोड है कहीं पर नहीं है और ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। अब जेब में हमारे 0 रुपीज है पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं गाड़ी हमारे पास नहीं है और ऐसी टेंशन है कि अरे पत्थर से कहीं टायर पंचर ना हो जाए और कहीं शीशे में ना गिर जाए शीशा ना हो जाए और इन केस अगर ऐसा कुछ हो गया तो रास्ते में तो कोई भी नहीं था जो हमारी मदद कर दे और बहुत सारे बात थे जो हमारे दिमाग में आ जाते हैं डार्क साइड आ रही थी सामने आ रही थी और ऐसा भी हो सकता है कि रास्ता बंद हो जाए गाड़ी वहां पर गिर जाए। लेकिन जो हमने एक रात पहले लेसन किया था वो मेरे दिमाग में था कि चाहे कुछ भी हो जाए रहना राइट साइड पर है हाँ डार्क साइड पर नॉलेज चल रही है लेकिन उसमें कूदना नहीं है। और वो 11 किलोमीटर की जो पूरी रोड थी वो मेरी जिंदगी की सबसे टफेस्ट ड्राइव थी लेकिन मैंने सबसे एंजॉय भी उसी में किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गला की तरह क्या हुआ है ना तो जैसे मैंने घर एंटर किया मेरी मॉम आगे खड़ी थी उन्होंने साफ स्ट्रेट मुझे कहा बड़ी चेटी आ गया और तुम क्या आया था फिर मैंने भी अब माफी क्या मांगी मैंने भी कहा कि हाँ मैं उसको कैच रहा था और मुझे तो फ्री करना चाहते थे लेकिन ये स्टोरी बेशक यहाँ एंड होगी बेशक हमारे डांट पड़ी ठीक है लेकिन एक दिन में मैंने बहुत कुछ सीख लिया टाइम मनी हेल्थ थॉट्स स्टोरीज प्रेशियस मिशन आई थिंक दैट वाज द बेस्ट स्टोरी ऑफ माय लाइफ भाई आ जा हुण भाई की देख गया यार हुण ड्रामे ना कर तू और जैसे करके ना उन्होंने मुझे दिखा कि विंडो है विंडो के आगे डार्कनेस है और इस रूम में लाइट है और मुझे उस दिन पता लगा कि उस लड़के ने खिड़की से कूद के कुछ नाम मारी बिकॉज ही जंप्ड फ्रॉम द लाइट वर्ल्ड इनटू द डार्क वर्ल्ड। Deep Singh, I've come chori to Shimla without telling our parents, and I think it's an awesome feeling here. Look at the view right from Shimla. Oh, I think it's awesome. Well, what do you say about it, Gaurav? You want to say any comments about it? I think so. We have come like that only. Let's enjoy. Yeah. I forgot about our parents. What they might be thinking. My parents especially called me and scolded me, and after this cold. Like, just can we talk on this? Just can we tell them that our parents have specially scolded us, and now after scolding, see the innocent faces and see my face too, and but leave the face, let's see the view.